نبوی کا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ، اونچی بولو، عید نبوی کا زمانہ، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا عاشقوں کا دل سہانا آ گیا، عاشقوں کا دل سہانا آ گیا، ایک واری نوجوان وی پاپے وی بچے وی سینے دا دل لاو، ہتھاں نو جھنڈے بنا کے لہرا کے پڑھو، عید نبوی کا زمانہ گلزار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد ہاشمی کی آمد ہاشمی کی آمد حجازی کی آمد مگر ذہن وچ تصور یہی ہے کہ اسی نبی پاک دی آمد اتے خوشی پہ منانے آ اللہ سارے دی خوشی قبول فرمائے سارے دی اس عقیدت نو اپنی بارگاہ دی اندر قبولیت دا درجہ عطا فرمائے حضرات گرامی قدر ایک بہت بڑے قرآن دے مفسر اور عظیم محدث جنہاں نو عام طور تے بولیا جاتا ہے ابن کثیر امام ابن کثیر آپ نے قرآن مجید دی تفسیر بھی لکھی اور احادیث مصطفیٰ دا مجموعہ لکھ کے اکٹھیاں کر کے آپ نے ایک کتاب لکھی جامع المسانید والسنن اسی طرح آپ نے اور بھی کئی کتب لکھیاں مگر آپ نے ایک کتاب لکھی سیرت دے عنوان دے تاریخ دے عنوان دے اس کتاب نو بڑی شہرت ملی اس کتاب دا نام ہے البدایہ والنہایہ عموماً تسی سن دیو البدایہ والنہایہ علماء بول دنے البدایہ پڑھ کے ویکھو البدایہ والنہایہ پڑھ کے ویکھو عام طور تے انو بولے جاندہ ہے تاریخ ابن کثیر اے بھی بولے جاندہ ہے بھی تاریخ ابن کثیر پڑھ کے ویکھو
तारीख इबन कसीर दे अंदर आपने एक नबी दे आशिक दा तज़किरा लिखे है। अज दा साडा उनवान वो नबी दा आशिक है। मैं दसना चाहना कि उस नबी दे आशिक ने नबी पाक दा मिलाद मनाया तो किवें मनाया। हर एक दा अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी तौफीक दे नाल हर बंदा खुशी करदा है। हुण वेखना ए नबी दा आशिक ऐसा है कि जमाने दा माड़ा बंदा नहीं बल्कि इरबल दा बादशाह मूसल बगदाद दे दरमियान जिहड़ा इलाका है उन्हों बोलिया जाता है अरेबिल या इरबल। इरबल दा बादशाह जिन्हां दा नाम है अबू सईद मुजफ्फरुद्दीन कूकबुरी तुर्कमानी रहमतुल्लाह अलैह। मुजफ्फर बादशाह मुख्तसर इरबली इरबल दा बादशाह इन्हां दा मुख्तसर तरीन तारफ है कि ए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अशारी अशाफी रहमतुल्लाह अलैह दे सगे बहनोई सन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नूं जानदे हो जिन्हें इस्लाम वास्ते बड़िया खिदमात पेश कीतियां और इस्लाम वाले मुसलमान उन्हां नूं मत्थे दे उत्ते हथ रख के हर दौर दे अंदर सलाम करदे रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों इरबल दे बादशाह मुजफ्फर दियां इस्लाम दे नाल मुहब्बतां वेखियां दीन दे नाल वाबस्तगियां वेखियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल एक वालिहाना मुहब्बत अकीदत और मवद्दत वेखी घर जाके अपनी सगी बहन रबिया खातून का रिश्ता पेश किया और आख्या कि ऐ बादशाह मैं तेरी शाही झलक और तेरी शाही चमक से दमक वेख के नहीं नबी दा खादिम समझ के अपनी बहन का रिश्ता पेश करना नबी दा गुलाम समझ के दीन दा खादिम समझ के तेरे नाल रिश्ता मजबूत करने का इरादा रखना खुद अपनी बहन का निकाह सुल्तान मुजफ्फर दे नाल कीता। ए सुल्तान मुजफ्फर इरबल दे बादशाह इन्हां दा एक होर भी कारनामा वो ए वे कि इन्होंने 60,000 मुसलमान कैदियों नूं फरंगियां दे हथों यानी अंग्रेजां दे हथों पैसे दे के मुल खरीद के अल्लाह दी राह विच आजाद कर छड़िया। इक्को वेले दे अंदर 60,000 मुसलमान कैदियों नूं अंग्रेजां दे हथों आजाद करवाया ते अल्लाह दी राह ते इन्हां नूं खरीद के अल्लाह दी राह ते आजाद कर दिता। ए सुल्तान मुजफ्फर कूकबुरी रहमतुल्लाह अलैह ए ओ ने के जिन्हां दे मुतल्लक जिन्हां दी सीरत किरदार बादशाही बचपन लड़कपन बुढ़ापा सारा कुछ लिखने तो बाद मगर सारा कुछ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 3-4 सत्रां दे विच मुकम्मल कर दिता। तफसील दे नाल इन्हां दी जिस गल नूं उन्होंने हाईलाइट और उजागर कीता है ओ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद नाल मोहब्बत। हजरत जनाबे इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि तकवा परहेजगारी और दरिया दिली और सखावत और मस्जिद दे नाल प्यार जामिया मुजफ्फरिया इन्होंने मस्जिद तामीर की थी जेड़ी कासियों दे पहाड़ा दी ओट दे अंदर है। एक मुसलमाना दा कीमती तरीन असास है और मुसलमाना दा विरस है जेड़े उस इलाके में जाते हैं उस मस्जिद दी जरूर जियारत करते हैं। और हजरत सुल्तान मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह दे दीगर कमाल सीरत किरदार तकवा परहेजगारी बयान करने तो बाद इब्ने कसीर फरमाते ने कि उन्हां दियां सारियां नेकियां अपनी जगह पर मिलाद वाली नेकी अपनी जगह। वो की करदे सन? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद
मनांदे सन ते इंज मनांदे सन लग जमाने नु पता जांदा सी। सुभान अल्लाह उच्ची आखो ते मैं पेश करां अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने काना या मानुल मौलिदु शरीफ फी रबीउल अव्वल व यहतफिलु इहतिफालन सुल्तान मुज़फ़्फ़र नो जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत अता गई जदों अल्लाह ताला ने उन्हां दे उत्ते करम कीता सुल्तान मुज़फ़्फ़र ने जदों मुहर्रम दा महीना खत्म होना सफर दा महीना शुरू होना सुल्तान मुज़फ़्फ़र ने रबीउल अव्वल शरीफ दे इस्तिकबाल दियां तैयारियां शुरू कर देनियां तैयारियां शुरू कर देनिया। सुल्तान मुज़फ़्फ़र ने किवें करके तैयारियां करनिया आओ पढ़ के देखो जदों रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना आउंदा सी रबीउल अव्वल शरीफ दे महीने तू पहला ही इन्हां ने दावतनामे लिखने उलमा नो दावतनामे लिखने सुलाखा नो दावतनामे लिखने सना खाना ने रसूल अरबी नो दावतनामे लिखने शुआरा नो दावतनामे लिखने कबाला दावतनामे लिखने इलाके दे गरीबां नूं वी दावतनामे भेजने अमीरां नूं वी दावतनामे भेजने थल्ले लिखना के मैं बेशक बादशाह आं पर मैं नबी दा नौकर बन के तुहानूं मिलाद दी दावत पिया देना मैं नबी पाक दा नौकर तुहानू वेलकम आखांगा मैं तुहानू इस्तकबाल करांगा मेरे वाले तुसी तशरीफ ले आनी है चुनाचे रबीउल अव्वल शरीफ दा चन्न अजे नहीं सी चढ़दा लोग ओहदे बूहे ते आके बैठ जांदे सन जदों ओहदे बूहे ते लोकी आंदे सन ओहने गावां ज़िबा करनियां ऊंट ज़िबा करने लोकां नू लंगर खिलाया करना फिर ऐसा भी मौका आउणा करना जू जू रबीउल अव्वल शरीफ दे दिन बसर होंदे ने पे बारह रबीउल अव्वल तो पहला उन्हें बीस कुप्पे तैयार करवाने चार या पांच मंजिला उन्हें लकड़ी दे जनाब छोटे छोटे घर बनवाने उन्हां दे उत्ते गुंबद बनवा के उन्हां दे अंदर उलमा नूं ठहरांदा हुंदा सी खूब मुज़य्यन मुनक्कश करवा के ज़ेबाइशो आरायश करवा के खूबसूरत बनवा के उन्हां छोटे छोटे घरां दे अंदर उलमा नूं ठहरण वास्ते जगह देनी और सनाखाना नूं जगह देनी शुआरा नो जगह देनी हर रोज शाम दा खाना उन्ना कुपियां विच आ के खांदा हुंदा सी नाले आके उलमा तू नबी पाक दियां नातां सुनदा हुंदा सी नाले उन्ना विच बह के नबी पाक दियां नातां सुनांदा हुंदा सी खुद भी नाते मुस्तफा पढ़नी नाले लोकां नूं भी नबी पाक दी नाता सुनानियां की आंदा होवेगा फलक के नजारो जमीं की बहारो सब ईदे मनाओ हुजूरा फलक के नजारो सहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए ऊंची बोलो हुजूर आ गए हैं खबर ये सुनाओ अनोखा निराला वो शीशान आया वो सारे रसूल का सुल्तान आया सुल्तान
कला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज कला हो, अरे बादशाह हो, नाते सुनाओ। हुजूर आ गए غلاموں سجا حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں بنا گرامی قدر علماء انہوں نے دعوت دینی کرنی علاقے دے لوکاں نے کاروبار بند کر دینے جدو ربیع الاول دا چن چڑھنا ربیع الاول شریف دا چن چاہی رونا لوکاں نے کاروبار بند کر دینے آگے ڈیرے لا لینے بادشاہ علماء تو تقریراں سن دے علماء تو نبی پاک دیا ناتا سن دے سنا خانان تو اچھے اچھے کلام سن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ناتا یا کے اونا دے ویچے خود بے کے پڑ دے لیکن جدو پارا ربیع الاول شریف آنا حالانکہ ہر رات کئی گاواں زیبائیاں دیاں کئی اونٹ زیبائیوں دے سن ہر راتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی اتے جنہیں لوگ آگے بیٹھے ہوں دے سن اونا دی خوب تابعداری خوب اونا نو لنگر پیش کرنا لیکن جدو بارا ربیع الاول دا دین چڑھنا اس دن دا اونا دا معمول سنو اس دن اونا نے اپنے قریب علماء نو اپنے محل وچ بلانا محل وچ بلا کے کانا یا حضور عندہو فی المولد اعیان العلماء والصوفیات فیخلو علیہم میتلق لہم ویعمل للصوفیات سماعا من الظہر الالعص جدو میلاد دا دن چڑھنا ساری دے لے انہیں علماء نو اپنے گھر بلانا اپنے گھر بلا کے انہوں نے غسل کروا کے بہترین انہوں نے کپڑے پیش کرنے بہترین خلعتاں پیش کر کے بہترین انہوں نے لباس پہنوا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے واسطے علماء نو دولہ بنا کے پھر آپ ہی اچھے کپڑے پہن کے انہوں دے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد واسطے سین دے وچے آن دا سی آگے ویخ دا سی
अज साडे कोल किन्ने लोग आए ने, लाखों लोग आके बैठे होंगे सन, लाखों लोग मिलाद मिलाद मुस्तफा दे वास्ते आके बैठे होंगे सन। जदू आना आके जुलूस का एहतमाम करना, जुलूस का जदों एंड होना, उलामा दियां उस वेले तकरीरां सुननियां, सना खाना तो नबी पाक दियां नातां सुननियां। जदों जोहर का वेला आना, जोहर की नमाज पा जमात अदा करके फिर शायरां नूं लेके बैठ जाना, आखना शायरी दे रंग दे अंदर मेरे नबी दियां नातां सुनाओ। चुनाचे शुआरा ने माफले समा वाला रंग बनाना, कवाली वाला समा बन जांदा सी। बादशाह मुजफ्फर ने कवाली सुननी, असर दी नमाज तक कवाली जारी रहिंदी है। फिर जदों असर दी नमाज पढ़ लेनी, फिर उलमा दे खिताब सुनने, मगरब दी नमाज पढ़ लेनी, फिर उलमा दे खिताब ते नात खाना तो नबी पाक दियां नातां सुनदा सी। उलमा लिखदे ने जेड़े लोग खावण वास्ते आउंदे सन, या जेड़े लोग उस मिलाद दे विच शिरकत वास्ते आउंदे सन, उन्हां दा कोई हद अंदाजा नहीं। अलबत्ता जेड़ा ए लंगर दा एहतमाम करदा सी, सुनोगे ते अखां खुल जाणगियां। अगर असी लख दो लख रुपया लगा लवीए, लोकी साडे ते फतवे लगांदे ने, लोकी आंदे ने सुन्नी किवें फजूल खर्ची पे करदे ने। ये जेड़ी गल मैं तुहाडे सामने पिया पढ़ना, इनू एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन दे लगभग मुहद्दिसीन ने अपनियां अपनियां किताबां दे अंदर अच्छे तरीके दे नाल मलिक मुजफ्फर बादशाह नूं दाद देंदिया होया लिखिया। मैं चंद किताबां दे हवाले पेश कर देना, ये जड़ी गल मैं तुहाडे सामने बयान पिया करना कि मलिक मुजफ्फर बादशाह ने इंज मिलाद मनाया, इंज मिलाद मनाया तासीन दे अल्फाज दे नाल। अल बताया बन्ने हाय बन्ना हया दे अंदर इब्ने कसीर ने नकल कीता, हुस्नुल मकसद फी अमलिल मौलिद दे अंदर अलामा जलालुद्दीन सियूती ने नकल कीता। हवाला नंबर 3 अल हावील अल फतावा दे अंदर अलामा जलालुद्दीन सियूती ने नकल कीता। हवाला नंबर 4 असीरतुन नबविया दे अंदर इमाम ज़ैनी दहलान ने नकल कीता। हवाला नंबर 5 सियारो आलम मुनबला दे अंदर इमाम मेज़ाबी ने नकल कीता। हवाला नंबर 6 वफायातुल आयान दे अंदर अल्लामा इब्ने खलकान ने नकल कीता। हवाला नंबर 7 अल अबर फी खबर मिन गबर दे अंदर इमाम मेज़ाबी ने नकल कीता। हवाला नंबर 8 आसारुल बिलाद व अखबारुल इबाद दे अंदर अबू अब्दुल्ला बिन ज़करिया कसवी ने नकल कीता। हवाला नंबर 9 शजरातुल ज़हब दे अंदर अल्लामा अकरी हंबली ने नकल कीता। अल बराखीन जलिया दे अंदर सैयद मुहम्मद हसन कज़वीनी ने नकल कीता। यारवी वाले दे नाम ते यारवा हवाला पेश करन लगा, अल फतहुल कसीफी फतहुल कुदसी दे अंदर इमादुद्दीन बिन इमादुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद कातिब इस्फहानी ने नकल कीता। बारवी वाले मुस्तफा दे हवाले दे नाल बारवा हवाला पेश करन लगा, मिरअतु ज़मान फी तारीख अल आयान दे अंदर यूसुफ बिन कसगली रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ इब्ने जौजी ने नकल कीता। दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल कीता है, मैं 12 मुहद्दिसीन दा नाम लिया है। एक मुहद्दिस नहीं 12 मुहद्दिसीन ने इस बादशाह दी तारीफ कीती है, ते सारे आंदे ने रहमतुल्लाह तआला अलैह इस बादशाह दे उत्ते अल्लाह दी रहमत आवे। वाजा अलल जन्नत मसवा, अल्लाह एदी कबर नु जन्नत दा बाग बनावे, अल्लाह एदे रुतबे बुलंद करे। अगर बादशाह मिलाद मना के माड़ा कम करदा सी या गैर शरी कम करदा सी, कदी भी एने मुहद्दिस दुआवां ना देंदे। ए मुहद्दिसीं दीआं दुआवां देणा इस गल दी दलील है के मलिक मुजफ्फर बादशाह जेड़ा मिलाद मनांदा सी ओ अल्लाह नु ही पसंद है, अल्लाह दे रसूल नु ही पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह नूं ही पसंद, अल्लाह दे हबीब नूं ही पसंद। कितना ज्यादा माल खर्च करदे सन, कितना ज्यादा लंगर पकांदे सन। पढ़ के वेखो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखिया, जलालुद्दीन सियुती ने अपनियां दो किताबां विच लिखिया, इमाम ज़ाहबी ने अपनियां दो किताबां विच लिखिया, इमाम इब्ने खलकान ने वफातायुल आयान दे अंदर नकल कीता। उलमा लिखदे ने कान यसरिफु अलल माल दे फी कुल सना दिन सलास में अता अल्फ दिनार। जदु मिलादा बारा रबीउल अव्वल शरीफ दा दिन चढ़दा सी, बारा रबीउल अव्वल वाले दिन 3 लाख दिनार खर्च करदा सी, 3 लाख सोने दे सिक्के खर्च करदा सी, 3 लाख सोने दे सिक्के, तवज्जो 3 लाख सोने दे सिक्के खर्च करदा सी। वाला दारी ज़ियाफत फी कुल्ले सनत में अल्फ दिनार। हर साल ही हर साल 12 रबीउल अव्वल वाले दे ओ किन्ने बकरे भुन के पकांदा सी, 50,000 बकरा भुन के नबी दे गुलामां दी ओ ज़ियाफत करदा हुंदा। 50,000 बकरे भून के नबी दे गुलामां नूं पेश करने, 50,000 गुलाम 50,000 उन्ने ज़िबा करके नबी दे गुलामां दे अगे रखने। वा आशरा तो आला पे दो जा जाते 10,000 देसी मुर्ग ज़िबा करके उन्ने नबी दे गुलामां दे सामने रखने, 1 लाख दूध दा प्याला नबी दे गुलामां दे सामने रखना। अगर 3 लाख दिनार सोने दे सिक्के खर्च करे अबू सईद मुजफ्फर बादशाह दे कोई फतवा नहीं, क्योंकि दर्जनों मुहद्दिसीन ने उन्हां दी इज्जत बयान की थी, दर्जनों मुहद्दिसीन ने उन्हां दे इस अमल नूं सराया ते दाद दित्ती है। अगर अबू सईद मुजफ्फर बादशाह अपनी पसंद दे मुताबिक नबी दे मिलाद वास्ते 1 लाख नहीं 3 लाख दिनार अल्लाह दी राह ते खैरात करे, हजारों मुर्गे ज़िबा करे, हजारों बकरे ज़िबा करके नबी दे मिलाद दी खुशी मनावे, जे ओना दा अमल ठीक है अज दे सुनिया दा अमल भी ठीक है, जे ओना दा कम ठीक है जे ओना दा मिलाद मनाना ठीक अमल है, फिर अज दे सुनिया अज दे नबी दे गुलामा दा मिलाद मनाना भी ठीक है, जे ओना नो तुसी लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम मंदिया होया, अगर ओना दी इज्जत बयान हुंदी है भई, अगर ओना दी इज्जत बयान मुहद्दिसीन पे कर देने, बेशक साडी मुहद्दिसीन ने नाम ले ले के इज्जत बयान नहीं की थी, मगर इशारा तन ओ लिख के चले गए ने, जेड़ा भी नबी दे मिलाता चा कर दे जीने मुजफ्फर बादशाह दात लाए के ओवे हर मिलाद वाला दात लाए के। हुण बादशाह मुजफ्फर नो पूछिए, ए बादशाह तू क्यों 50,000 बकरे ज़िबा करने है, 10,000 मुर्ग ज़िबा करने है, 1 लाख प्याला दूध दा पेश करने है, एक क्यों सारे कम करने है, ते ओदा जवाब भी इयो ही होवेगा, आंदा होवेगा फजल रब्बुल उला और क्या। मिल के सारे ऊंची आवाज नाल बोलो, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और 3 लाख दिनार नबी दे मिलाद विच खर्च पिया कर दे, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए
मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और कुछ रबी अल्लावल दी बहार दे कुछ जुमा शरीफ मिल गए बड़ो मिल गए मुस्तफा नेमते दोनों आलम की दे कर हमें नेमते दोनों आलम की दे कर हमें पूछता है पता और क्या चाहिए जवाब अगुई ये मौला मिल गए मुस्तफा मिल गए मुस्तफा और जिन्ना को निजाम है ना ठीक है अगले जुमे से ही बस उन तशरीफ रखो मिल के पढ़ो मिल गए मुस्तफा अच्छा मेनू ये पता है भी एक भी ऐसा बंदा नहीं थे जड़े बैठे जिन रबी अव्वल का चा ना चढ़िया हो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जरा मुस्कुरा के ते खुल के उच्ची पढ़ो नबी पाक दी नात ते नबी पाक दी आमद दी खुशी मिल गया को फजले रब्बुल आला और क्या दामने जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा जिनके दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जैसा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और अच्छा तुसी साहब लो 3 लाख दिनार दिनार हुंदा है सोने दा सिक्का एक तोला होवे ते 4 दिनार हो तकरीबन हम वजन 4 दिनारा दा तकरीबन 1 तोला बन दे हुण 3 लाख नूं असीं ज़र्ब तकसीम करिए ना 4 दे उत्ते ते ए बनदे ने 75,000 तोले असीं 1 तोला महफिल ते ला छड़िए ना कीमत ते साडे उत्ते फतवियां दी बुछाड़ है मैं 16 मुहद्दिसीन दे नाम लिख के लियांदे ने 16 मुहद्दिसीन ने इन्हों का नाम इज्जत अफजाई दे नाल लिखिया और दाद दे दे लिखिया और तहसीन वाले अल्फाज नाल लिखिया कि मलक मुजफ्फर बादशाह तेरे क्या कहने बल्कि इब्ने खलकान ने अपनी जड़ी उन्हां दी है किताब उन्होंने असीरत नबविया दे अंदर लिखिया है कि मिलाद हम भी मनाते हैं मगर अबू सईद मुजफ्फर बादशाह के मिलाद मनाने के अंदाज का कोई जोड़ नहीं यानी उन्होंने मिलाद मनाने दे क्या कहने 3 लाख नो तकसीम करिए 4 नाल ते बराबर आते ने 75,000 एदा मतलब है एवं मोटा मोटा तखमीना 75,000 तोड़ा सोना बकरे शकरे बकरे 50,000 बकरा बकरा मुर्गियां बकरियां 30,000 मिठाइयां दे थाल ओ बकरे के सारे मामलात अलैदा मगर असी सिर्फ 3 लाख दिनारा दा हिसाब लाने 75,000 तोड़ा वैसे ते 1,10,12,14,000 रुपया कीमत है असी लख रुपये लावीए 75,000 ज़रबे लख हुण जिहड़े लांदे ने फतवे साडे उत्ते उहनां दे पल्ले रहिंदा कुछ कख बोलो 75,000 नूं लख नाल ज़र्ब दिओ ते किन्ना जवाब आवेगा 75 करोड़
यानी आज दे जमाने दा कम अज कम 75 करोड़ रुपया लगा के नबी दे मिलाद दी महफल सजांदा सी अबू सईद मुजफ्फर बादशाह। जे 75 करोड़ रुपया लान आले मुसलमान उत्ते फतवा नहीं ना लगदा, आज दे 75 हजार लान आले सुन्नी ते भी फतवा नहीं लगदा। जे 75 करोड़ रुपया खर्च करने वाले उस नबी दे आशिक दा काम मिलाद मनान वाला चंगा है, आज भी मिलाद मनान वाले दा काम माड़ा नहीं, मिलाद मनान वाले दा ये फेल चंगा है। फिर अगू एक बोलियत दे अपने अंदाज ने, एक जरूरी नहीं मैं बंजा बंदा 75 करोड़ लावे ते ताई कबूल होना है, नहीं ये तो मियां ना किसी के रक्स पे तंज कर ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ये मजाज इश्क के रसूल है जिसे चाहे वो जैसे नवाज दे। अपने अपने मुकदरा दी हुंदी ये गल, आईयां दाईयां हजारा सन मक्के दे वल, जिस दी डाची कदम भी ना सकदी सी चल ओ अरब दे शाह सवारा दे कम आ गई। एक जरूरी नहीं के बड़ा मालदार होवे ते बड़ा अमीर और दौलतमंद साहिब सरवत होवे ते ओदा कबूल होना ते माड़े दा नहीं, नहीं कबूल हुंदा है ते दिल दियां नीयतां कबूल हुंदियां ने। ये तो मैं पहला अर्ज की थी, हर बंदा अपनी शयान शान अपनी बसात के मुताबिक अपनी तौफीक के मुताबिक बंदोबस्त करता है ते जिन्हों मेरे नबी कबूल फरमा ले, जे कबूल ना फरमान ते भावे अरबा ए करोड़ा रुपये ने अरबा वाले का कबूल ना हो ते जे कबूल फरमा लैन ते अब्दुल रहीम दिलवी रहमतुल्लाह अलैह दे चणिया दा थाल ही कबूल हो जाए। आहा अच्छा सी हुण गल इत्थे रखीए ते मुकाईए। इन्होंने हर साल इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त करना और फिर वैसे भी मक्का ते मदीना शरीफ दे नाल इन्ना प्यार करदे सन कि जेड़े इरबल तो मक्का शरीफ ते मदीने शरीफ रस्ते जांदे सन उन्हां रस्तियां दे विच इन्होंने कुएं खुदवाए सन पानी वास्ते, या फिर मशकीजे वाले लोग मुकर्र कीते सन कि तुसी मशकीजे भर भर के इत्थे खड़िया होना है ते जेड़े हाजी गुजरन मुसाफिर गुजरन उन्हां नूं पानी पिलाया करना। लेकिन जदों आंदा सी ना मिलाद दा महीना, सुभान अल्लाह उची जदों मिलाद दा महीना आंदा सी रबीउल अव्वल शरीफ दा चन चढ़ना, इन्होंने 5000 दीनार मक्के शरीफ भेजने ते 5000 इन्होंने दीनार मदीने शरीफ भेजना। जे असी पूछिए भी ए मुजफ्फर बादशाह क्यों हरमैन शरीफ अंदर ये पैसे भेज दिया पे, अगे पीछे भी बड़िया खिदमत कर दिया मगर हरमैन दे अंदर हर साल बिला नागा 5000 दीनार तुसी भेज दिया, क्यों तुसी ये भेज दिया पे? उन्हां दा जवाब आवेगा ईद नबी का जमाना आ गया, ईद नबी का जमाना। अल्लाह ताला सानू भी उस तरह उस नीयत उस इरादे दे नाल नबी दा मिलाद मनाण दी तौफीक अता करे, ईद नबी का जमाना अल्लाह पढ़ना कबूल करे, ईद नबी का जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना। उची बोलो ईद नबी का जमाना, हर तरफ सल्ले खुशियों का तराना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, आज चमका तो तरा दीवार को, आज चमका तो
सुहाना आ गया आशिकों का दिल सुहाना।